में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, जब कोई चीज हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होती है तो उस चीज को हम लोग किसी भी हालत में पाने की तमन्ना रखते हैं। जब हम लोग उस चीज को पा लेते हैं तो बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं, और वैसे ही जब हम लोग उस चीज को खो देते हैं तो बहुत ही दुख का अनुभव करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के दिव्य वचनों के माध्यम से प्रभु हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि हम लोग प्रभु की दृष्टि में कितने मूल्यवान है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हम लोगों को तीन दृष्टांत बतलाए हैं, खोई हुई बेड़ का दृष्टांत, खोया हुआ सिक्का का दृष्टांत और उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। इन तीनों दृष्टांतों के माध्यम से प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए कितने मूल्यवान हैं। हम लोग देख सकते हैं प्रभु ने इस संसार की सृष्टि बहुत ही प्रेम से किया, और सभी चीजों से बढ़कर मानव को ही चुना और मानव को पूरी सृष्टि पर अधिकार दिया। और हम लोग जानते हैं कि प्रभु ने मानव को अपने प्रतिरूप बनाया है, यह प्रभु के प्रेम को हम मानव के लिए दर्शाता है कि हम लोग प्रभु की दृष्टि में कितने मूल्यवान हैं। इसाईस नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में प्रभु हमसे कहते हैं कि हम उनकी दृष्टि में कितने मूल्यवान हैं। इसाईस नबी का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 16 में प्रभु हमसे कहते हैं कि वह हमें अपनी हथेलियों में अंकित कर लिया है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में प्रभु हमसे कहता है कि उसने हमको हमारे माता के गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया है, पहचान लिया है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये है प्रभु का प्रेम कि हम मनुष्य उनके लिए कितना मूल्यवान है। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम में से कोई एक जन भी ना खो जाए। आज के तीनों दृष्टांतों से प्रभु हमें यही खाना चाहते हैं। जब हम लोग खो जाते हैं या भटक जाते हैं या प्रभु से दूर हो जाते हैं तो प्रभु को बहुत दुखी का अनुभव होता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम मानव है, मानव हम लोग कमजोर हैं, कमजोर होने के नाते हम लोग कभी कभी प्रभु से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब हम लोग पश्चाताप करके पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास वापस आते हैं तो वह बहुत ही खुश होते हैं। हम लोग देख सकते हैं तीनों दृष्टांतों में, जैसे कि उड़ा पुत्र के दृष्टांत में हम लोग देखते हैं, जैसे खोया हुआ बेटा वापस आता है तो उसका पिताजी उन्हें दूर से ही देख लेता है और दौड़ कर आता है और गले लगाता है और वे लोग आनंद मनाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसी प्रकार से जब हम लोग पश्चाताप करके प्रभु के पास वापस आते हैं तो प्रभु भी वैसे ही खुश होते हैं और वह भी हमारे साथ आनंद मनाते हैं। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम लोग अपने हृदय की जांच करें, हमारे सभी पापों गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और पूरे
पश्चातापी बड़े हृदय से प्रभु के पास वापस आए, जिससे कि हम लोग भी प्रभु के राज्य में आनंद के सहभागी बने। सबों को जय सूर्य।